ने हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ। कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ मेजर फिल्में रिलीज की गई है, जिसमें एक है हॉलीवुड की बिगी फिल्म प्लैनेट ऑफ द किंगडम ऑफ द एप्स, दूसरी है दोस्तों यहां पर राजकुमार राव के बायोग्राफिकल फिल्म श्रीकांत, और तीसरी है दोस्तों RRR जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रिलीज की गई है। इन तीनों ही फिल्मों को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन किस तरह की ओपनिंग मिल रही है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्में, यानी कि दोस्तों सिकंदर और बॉर्डर 2 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़े सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं, सलमान खान, सनी देओल, अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार्स के डाहट फैन से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज होने वाली बॉलीवुड की फिल्म श्रीकांत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको राजकुमार राव के साथ साथ अलाया फर्नीचर वाला, ज्योतिका और शरद केलकर भी नजर आने वाले हैं, जो कि दोस्तों एक इंडस्ट्रियलिस्ट बोलैंड इंडस्ट्री के मालिक श्रीकांत के ऊपर बनाई गई बेहतरीन बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है दोस्तों तुषार हीरानंदानी ने, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने। दोस्तों बता दे चले आपको कि लगभग 2 घंटे 16 मिनट की इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में आज 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिससे कि ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों राजकुमार राव की एक बार फिर तालियां बजाकर तारीफें की जा रही है। राजकुमार राव ने दोस्तों जिस तरह से श्री के कैरेक्टर को इस फिल्म में निभाया है, वो काफी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने वाला कैरेक्टर है, और उनकी एक्टिंग ऑडियंस के दिलों में बस चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि मात्र 25 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में आज मॉर्निंग से ही काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। इस फिल्म के दोस्तों एडवांस में ही 15,000 से ज्यादा टिकट ऑलरेडी सेल हो चुके थे, जो कि एक तरह से कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस से ज्यादा थे। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की आज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की, तो दोस्तों यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही 6 से 8% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई। हालांकि दोस्तों ये ऑक्यूपेंसी कम है, लेकिन ऑडियंस की तरफ से जिस तरह के रिव्यूज यहाँ पर श्रीकांत को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक बेहतरीन ओपनिंग ले रही है। ये फिल्म दोस्तों आफ्टरनून में 12 से 15% की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रही है। तो वही दोस्तों इवनिंग और नाइट के शो में इस फिल्म को काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये वजह है दोस्तों कि श्रीकांत इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले ही दिन 2,40,00,000 रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टच कर रही है। तो वहीं दोस्तों अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म को हालांकि कुछ ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म ओवरसीज को मिलाकर टोटल 3 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर से करने वाली है। अगर श्रीकांत को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से इसी तरह का रेस्पॉन्स मिलता रहा, तो ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर इस साल मड़गांव एक्सप्रेस, वीर स्वतंत्र सावरकर और कई सारी फिल्मों को पीछे करते हुए एक हिट फिल्म साबित होगी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिल्म, यानी कि दोस्तों हॉलीवुड की बिगी फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है वेस बॉल ने। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज की ये 10वीं फिल्म है, और दोस्तों इस फिल्म का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के लीड में आपको ओवेन टैग, फ्रेया एला, केविन डुरेंट और पीटर मैकॉन नजर आने वाले हैं, जो कि लगभग $160 मिलियन के बजट से बनने वाली एक बिग एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। और दोस्तों इस एक्शन फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 1600 से 1800 स्क्रीन्स हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में दी गई है। प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज की फ्रेंचाइजी को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से खूब पसंद किया गया है, और दोस्तों एक बार फिर किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि वेस बॉल के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग और इनक्रेडिबल रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में जो एक्शन और जो कहानी हमें देखने को मिल रही है
है वो दोस्तों इसके पिछले पार्ट से काफी बेटर और बेहतर है। यही वजह है दोस्तों कि प्लैनेट ऑफ द एप्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन बॉलीवुड की फिल्म श्रीकांत से बड़ी ओपनिंग ले रही है और दोस्तों इस फिल्म को आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ऑल ओवर इंडिया से हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में मिल रही है। वही दोस्तों इंग्लिश भाषा को मिलाकर यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग $30 मिलियन के आंकड़े को टच कर रही है। प्लैनेट ऑफ द एप्स को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर बनने वाली है और हिंदी में भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो काफी अच्छे आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या आपने भी हॉलीवुड की इस बीगी को देखा या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर री रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज एक बार फिर से री रिलीज कर दी गई है। और दोस्तों री रिलीज करने के बाद इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से धमाकेदार रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि RRR जिसका डायरेक्शन किया था SS राजामौली सर ने, और दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को दोस्तों आज लगभग 800 स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में एक बार फिर से री रिलीज किया गया है। इस फिल्म को दोस्तों देखने के लिए ऑडियंस की भीड़ एक बार फिर से सिनेमा घरों के बाहर देखने को मिल रही है। सुपरस्टार जूनियर NTR, रामचरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग सभी भाषाओं को मिलाकर मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स है। और दोस्तों इसी के साथ RRR इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से सभी को चौंकना करने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि RRR ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली रिलीज में लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी और KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। अब दोस्तों RRR एक बार फिर से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर सकती है अगर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से पहले की तरह ही रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया। हालांकि दोस्तों अपने पहले दिन तो दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी ओपनिंग ले रही है। देखना यही होगा दोस्तों कि क्या इस फिल्म को अपने पहले हफ्ते में इसी तरह का रेस्पॉन्स कंटिन्यू मिल पाता है या नहीं। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी थी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। अब अगर बात कर लिया दोस्तों इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक सिकंदर के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2025 में रिलीज होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक होगी। और इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के भाईजान यानी कि दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान के साथ साथ अब रश्मिका मंदाना नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रश्मिका मंदाना की जोड़ी सुपरस्टार सलमान खान के साथ देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इस फ्रेश पेयर को देखने के लिए सुपरस्टार सलमान खान के फैंस और हम सभी काफी एक्साइटेड है। AR मुर्गा दोस्त के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसे कि साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले हैं। और दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2025 में ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। प्रीतम के म्यूजिक से सजी हुई दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बना सकती है और कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ भी सकती है। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का इंतजार ऑडियंस ईद के मौके पर तो काफी बेसब्री से कर रही है। और दोस्तों इस साल की ईद बेकार होने के बाद अब उम्मीदें हैं कि 2025 की जो ईद है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छी साबित हो। सुपरस्टार सलमान खान और रश्मिका की ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से ले सकती है। और अगर दोस्तों AR मुर्गा दोस्त का एक्शन और उनकी कहानी ऑडियंस को पसंद आई तो ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी न्यूज की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1997 में रिलीज हुई थी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर 2, जिसके लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार सनी देओल के साथ साथ सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना और कई सारे एक्टर्स नजर आए थे। अब दोस्तों फाइनली इस फिल्म का सेकेंड पार्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने को तैयार है। और दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड पार्ट में आपको सुपरस्टार सनी देओल तो एक बार फिर से मेजर कुलदीप सिंह के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उनका साथ देने के लिए इस बार आपको नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना। जी हां दोस्तों, न्यू जनरेशन एक्टर आयुष्मान खुराना इस फिल्म में सनी देओल का साथ देने वाले हैं। और दोस्तों इस फिल्म में विक्की कौशल और भी कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि JP दत्ता जिन्होंने इसके पहले पार्ट को बनाया था, वही दोस्तों अब इस फिल्म के सेकंड पार्ट को भी बना रहे हैं, जिसमें आपको एक बार फिर देशभक्ति
और जुनून की कहानी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म में एक्शन भी डबल होने वाला है। जिस तरह से दोस्तों गदर 2 ने इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, वैसे ही दोस्तों बॉर्डर 2 भी इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ सकती है। बता दे चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह करेंगे और दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। यानी कि दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के सामने सुपरस्टार सनी देओल अपनी इस फिल्म को लेकर आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बॉर्डर 2 और पठान 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लेश करेगी और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो काफी डैमेज होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर पठान 2 और बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर क्लेश करती है तो कौन सी फिल्म मारेगी बॉक्स ऑफिस की बाजी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।